हेलो वीयर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैबल टैरेट्स। टुडे आई हैव मेड दिस वीडियो फॉर शहनाज गिल। किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि उनका कोई चांस है इस वक्त हॉलीवुड में जाने का, कोई कुछ ऐसा कुछ वो विचार कर रही हैं, ऐसा कुछ सोच रही हैं क्या? क्योंकि उन्होंने कमेंट में लिखा हुआ है सलेना और जस्टिन नाम के कोई बाहर के कोई हैं, तो सिंगर्स हैं, तो उनके साथ वो शायद काम करने के बारे में सोच रही हैं। तो ऐसा किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, क्या वो उनकी ऐसी प्लानिंग है शहनाज गिल की कि वो बाहर कहीं कहाँ है, वो शायद सिंगिंग का या इस तरीके से कुछ चांसेस उनकी बन रही हैं क्या? ऐसा किसी ने मुझसे पूछा हुआ है। मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि शहनाज गिल सरीना और जस्टिन के साथ सॉन्ग पे या उनके किसी भी तरीके के प्रोजेक्ट पे या किसी भी तरीके का सॉन्ग पे काम करना चाह रही हैं क्या? क्या वो सफल हो पाएंगी उस पे? क्या वो सक्सेसफुल होंगी, बाहर हॉलीवुड में कहीं अपना कुछ योगदान दे सकती हैं सिंगिंग करके या एक्टिंग करके? कुछ ऐसा प्लानिंग किसी ने मुझसे पूछा हुआ है। इस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि सलीना और जस्टिन के साथ वो सॉन्ग पे उनको शायद प्रेजेंट कर रही हैं, ऐसा कुछ सोच रही हैं कि बाहर कहीं विदेश में जाके वो हॉलीवुड में काम कर सकती हैं शहनाज गिल। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई ऐसी कोई चांस नहीं है इस चीज़ से। सेपरेशन का काढ़ा हुआ है, डेथ का काढ़ा हुआ है। दैट मीन्स कि शहनाज इस चीज़ को अगर वो सोचती हैं कि हॉलीवुड में जाके काम कर पाएंगी या ऐसा कुछ है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ सोच रही हैं। उन्होंने पोस्ट कर दिया होगा सॉन्ग, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसी चांस नहीं दिखा रहा है कि वो अभी फ़िलहाल हॉलीवुड में कहीं कहीं काम करें, क्योंकि मुझे लगता है कि इंडियन प्रोजेक्ट्स उनके पास बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, हैं उनके पास इस वक्त, वो काम कर रही हैं ऑलरेडी उस पे प्रोजेक्ट पे अपने। और हॉलीवुड वाला कोई अगर बाहर का कोई अगर सॉन्ग है इस तरीके से अगर उस पर काम करना चाहती हैं या एल्बम पे, तो इस तरीके का नहीं हो सकता क्योंकि डेथ का कार्ड आ हुआ है। यहाँ पे अगर वो ऐसा करती हैं तो अपने लव मेट से फिर वो अलग हो जाएंगी। यहाँ कार्ड यहाँ साफ बता रहा है कि यहाँ पे इनको लव मेट से जो है सेपरेशन हो जाएगा, बहुत ही दुख भरा सेपरेशन हो जाएगा अगर वो ऐसा कुछ कदम उठाती हैं तो। क्योंकि जिस प्रोजेक्ट पे अभी वो काम कर रही हैं वो इंडियन हैं, और जिसके साथ वो काम कर रही हैं वो मुझे लगता है कि अपने ही लव मेट के साथ शायद वो काम कर रही हैं इस वक्त, जो हम सभी जानते हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला उनके बहुत ज़्यादा झुकाव है शहनाज गिल का। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि वो सिद्धार्थ के साथ जो काम कर रही हैं, उनके जो लवमेट हैं उनके साथ कहीं जो है वो सेपरेशन यहाँ पे हो सकता है, अगर इस तरह। हालांकि वो उस तरह चाहेंगी नहीं कभी, क्योंकि हो सकता है उन्होंने उस एल्बम को पोस्ट किया करना चाहा हो या कुछ भी ऐसा करना चाहो, लेकिन काम उस पर करने लेंगी ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं अभी, उस पर वो काम कर रही हैं। और यहाँ पर सूर्य का कार्ड आने का मतलब ये है कि अभी फ़िलहाल इस चीज़ में वो काम इस वक्त नहीं करेंगे, क्योंकि डेथ का कार्ड सबसे पहले यहाँ पे आ गया था। दैट मीन्स कि इस बात में बिल्कुल बिल्कुल श्योरिटी है कि वो अपने लवमेट से अलग हो जाएंगी अगर इस तरीके से अगर प्रोजेक्ट पे अगर वो काम करेंगी तो या उनके संग काम करना चाहेंगी, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। ये बात बिल्कुल कॉन्फिडेंटली यहाँ पे जो है यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं, मैसेज है यहाँ पे कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो आगे जाके हॉलीवुड में भी काम कर पाएंगी। ये एक रियलिटी है कि वो अपने परिवार को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रहती हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, तो सबसे पहले शहनाज अपने परिवार को देखेंगी, ये एक रियलिटी है। वो इस वक्त बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं सोचेंगी कि जो है कि मैं अपने परिवार अलग कर दूं और केवल अपने जो है हॉलीवुड की तरफ चली जाऊं या प्रोजेक्ट पे ध्यान ही ना दूं या सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ ध्यान ना दूं, क्योंकि सिद्धार्थ शुक्ला को बहुत चाहती हैं। उनका मैंने पहले ही प्रेडिक्शन निकाला हुआ है कि इनका झुकाव बहुत ज़्यादा है सिद्धार्थ के लिए, तो ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगी। इस असलियत को वो जानती हैं कि अपने परिवार को वो कभी नहीं छोड़ेंगी। और एग्रेसिवनेस का कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि ये बात से बिल्कुल उनको कोई जना ऐसा है जो जलन भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्वस्त हो सकती हैं, तो ये वो शायद जानती हैं खुद भी इस चीज़ को कि अगर मैं हॉलीवुड की तरफ गई या इस तरह से गई, हो सकता है उन्होंने कर दिया हो उसके किसी और फेम पाने के लिए किस तरीके से, क्योंकि फिल्म लाइन ऐसी है कि आपको
ये सब चीज़ें अपने आप को अपडेट करने के लिए हो सकता है उन्होंने किया हो, ये कदम उठाया हो, जस्टिन और सेलेना के साथ जो है वो उन्होंने एल्बम को पोस्ट किया है, जो भी किया। तो लेकिन हॉलीवुड में काम करने का यहाँ पे कार्ड सबसे पहले डेथ का ही आ गया था, और लव मेट के साथ अलग हो जाएंगी और ऐसा वो कभी नहीं चाहेंगी, और मंगल का भी कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि यहाँ चीज़ें ध्वस्त हो जाएंगी अगर वो उस तरह से करेंगी तो, और अपनी फैमिली को वो ध्वस्त कभी नहीं होने देंगी। ये बात वो अच्छे से जानती हैं कि उनको अपने फैमिली से बहुत सपोर्ट चाहिए, तो इसीलिए उनकी फैमिली में जिस किसी को भी वो बहुत क्लोज समझती हैं वही उनकी फैमिली है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे उनके वो लव मेट हो जिससे वो शादी करने जा रही हैं, या जो उनके भाई हैं, कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो अच्छा होगा कि वो अपने इस वक्त फैमिली को सपोर्ट इस वक्त करें, फैमिली को देख के चलें, क्योंकि शहनाज का नेचर ऐसा है कि वो अकेले नहीं रह सकती हैं, अगर अगर वो अकेले रहने की सोचेंगी भी तो डिप्रेशन में चली जाएंगी, इस तरह का नेचर वो रखती हैं। मैं पहले भी इस चीज़ को दिखा चुकी हूँ प्रेडिक्शंस में कि शहनाज बहुत सोशल हैं, बहुत सपोर्ट करती हैं, लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं, बहुत ही जॉली नेचर की हैं, और ऐसा इंसान अकेला एकदम हो जाएगा और परिवार ही नहीं रहेगा उसका, तो वो एक समझ लीजिए इसकी एक तरीके से मृत्यु ही के समान है। तो इसलिए वो कभी नहीं चाहेंगे कि उनको कोई किसी चीज़ का नुकसान हो, ऐसा ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं चाहेंगी। आई थिंक मैसेज बहुत क्लियर है, वो हॉलीवुड की तरफ नहीं जाएंगी आगे भविष्य में भी। यहाँ पे कार्ड्स बता रहे हैं कि यहाँ पे वो कभी नहीं सोचेंगे कि वो हॉलीवुड की तरफ जाएं, क्योंकि इंडियन प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं और अपने लव मेट के साथ ही वो रहना पसंद करेंगी, कभी अलग नहीं होना चाहेंगी। तो आई थिंक मैसेज वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।